पूरा बहुत वधिया माहौल लगता है। हां पूरा माहौल है, ਹੋਣੇ 15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਇਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਲੂਟ ਕਸੋਟ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ। कौन से शहर से हो? कहाँ से हो? हलवाना से। है? हलवाना से। हलवाना, ये यूपी में? तो यहाँ दुकान लगाते हो? अच्छा बाबा जी, इस समय हम खड़े हैं गुरुद्वारा साहब, पता है इतिहास गुरुद्वारे साहब के? ए पहली दोस्तों, अभी हमने आपको ऋण मोचन सरोवर के दर्शन कराए, वहाँ लोगों के व्यू जाने, पंजाब के लोग थे जानते, उन्होंने बताया कि पिछले 35 साल से आ रहा, कोई 6 साल से आ रहा, और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है कपाल मोचन। जी हाँ, कपाल मोचन सरोवर जो यहाँ का मेन सरोवर है, और उधर देख सकते हैं अब जनाना घाट है, लेडीज है, उधर स्नान कर रही है, सब अपने पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। और अगर मैं इधर बात करूं, यहाँ पे चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति है, क्योंकि सामने ही जाट धर्मशाला है कपाल मोचन की, बिलासपुर की, और थोड़ा इसके साथ ही है गुरुद्वारा साहब जो पातशाही पहली और दसवीं, यहाँ का एक मेन पॉइंट है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे कपाल मोचन सरोवर, सामने जाट धर्मशाला और कपाल मोचन। अब यहाँ भी हम लोगों से व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का यहाँ आने का क्या महत्व है। धर्मशाला के सामने खड़े हैं, सामने ऋण मोचन है। बाबा जी कहाँ से आए हो, कितों तो आए हो? ताजो तो जी, बरनाला जिले तो। बरनाले तो? हाँ। बरनाले तो आए बाबा जी? बरनाले तो जी। अच्छा कदों आए जी? कल आया जी, आज संगत आऊगी जी। अच्छा जी, तो किन्ने दिन रुकोगे जी? अच्छी जी 15 नु वापसी करांगे जी। 15 नु वापसी है, गुरुपर्व की वापसी है। हां जी, हां लंगर रौणा जी। केहो जिया लगदा जी इत्थे आके? पूरा बहुत वधिया माहौल लगदा है। हां पूरा माहौल है, 15 20 साल हो गए जी आउंदे नु। अच्छा जी। अच्छा बाबा जी, इत्थे स्नान करदे हो या फिर सिर्फ वैसे ही स्नान करदे हो? जैसे सूरज कुंड लंगर लाउंदे? लंगर चलता है जी। अच्छा जी, हां ठीक ठीक ठीक। अच्छा यहां से खरीदारी भी करके लेके जाते हो कुछ? हां नौ कुछ नहीं, ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਸੂਰਕੁੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ 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 ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। आप देख सकते हैं लकड़ी की यहाँ पे काफी ज्यादा सेल होती है। आयो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। केड़ी थां तो आए जी? असि लुधियाने तो। लुधियाने तो आए माता? लुधियाने तो आए। कदों आए जी? आज तड़के सुबह। आज सवेरे? हाँ जी हाँ। पूरी संगत है जी या फिर? हाँ जी हाँ जी, पूरी संगत है। कई साल तो आ रहे जी? नहीं जी, तो पहली बार ही आए। पहली बार है तो कैसा लगा जी? नहीं बात, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। कह रही है वो तो नहीं है कि यहाँ पे लूट खसोट वाला कुछ ऐसा वो? ठीक है ना जी, लंगर पानी की कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ही ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और बेटे क्या हाल है? बढ़िया जी। कहाँ से हो? हरियाणा से। कौन से शहर से हो? मिलक के। मिलक के, ये अपना मिलक? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाल है, क्या नाम है? वेज। वेज। विवेक, कहाँ से हो? हलवाना से। हलवाना से। हलवाना, ये यूपी में? तो यहाँ दुकान लगाते हो, हर साल लगाते हो? कौन कौन है? सारे एक ही परिवार से हो? हाँ। अच्छा, तो बढ़िया सेल हो जा। क्या नाम है बुके? सुंदर सिंह। यूपी से हो? हाँ जी। तो कैसी सेल होती है यहाँ? यहाँ अच्छी सेल होती है। हर साल आते हो? हर साल आते हैं जी। अच्छा, तो सारा सामान वगैरह बिक जाता है अच्छे रेट में? बिक जाता है जी। तो काफी दिन रहते होंगे? 5-6 दिन। हाँ जी, 8-10 दिन लग जाए। 8-10 दिन। हाँ। तो लंगर पानी का क्या है? कोई दिक्कत नहीं, मजे में है जी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब कपाल मोचन। अब जी सत श्री अकाल जी, कितने जल्दी तो नहीं? नहीं जल्दी तो कोई गल नहीं। की नाम जी अपना? गुरजान सिंह। कितों से आए हो जी? कहाँ से आए हो जी? बठिंडे जिले से आए। बठिंडे तो साथ ही है जी। तो कब आए जी? ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਏ? ਅਜੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੇ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ। 4-5 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੀਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 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 ਦਿੰਦੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੱਲਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੁਝ ਜਿਸੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ तो दोस्तों ये था कपाल मोचन का और गुरुद्वारा साहब और जाट धर्मशाला यहाँ हम खड़े थे दोस्तों ऐसी हम आपको पूरा मेला दिखाते रहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें धन्यवाद।